बेस्ट स्कूल स्कॉलर्स प्ले विच इंटर कॉलेज गोविंदनगर। सभी छात्रों को किताबें फ्री में मिलेंगी। संपर्क करें स्कॉलर्स प्ले विच इंटर कॉलेज गोविंदनगर कानपुर। लॉकडाउन क्या है और क्यों बढ़ाना पड़ा? कोविड के बढ़ते केसों के दृष्टिगत जब केसेस की बढ़ती संख्या और उनकी सेंसिटिविटी का एक एनालिसिस किया गया टेक्निकल टीम द्वारा, तो उसमें पाया गया कि कानपुर नगर के 10 थाना क्षेत्र जहां से सबसे ज़्यादा केस एक्टिव केस हैं और केस निकलने की दर पिछले 3 दिनों में जहाँ ज़्यादा रही है, इन दोनों बिंदुओं को मिला करके 10 थाना क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया गया और उनमें शुक्रवार तक कंप्लीट लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। ये थाना क्षेत्र हैं बर्रा, नौबस्ता, किदवई नगर, गोविंद नगर, चकेरी, कोतवाली, काकादेव, स्वरूप नगर, नवाबगंज। इन सभी थाना क्षेत्रों में कल रात 12 बजे से लेकर के शुक्रवार की रात तक यहाँ बंदी है और शनिवार और रविवार को जो साप्ताहिक बंदी है इसके साथ जोड़ करके रविवार तक इन क्षेत्रों में बंदी की स्थिति रहेगी। शुक्रवार तक की जो बंदी की स्थिति है उसमें आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी, जिसके अंतर्गत जो और हमारी सर्विलांस की टीमें चलेंगी, आवश्यक सेवाओं से संबंधित स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम प्रशासन, पुलिस और इनसे जुड़े जो कोर विभाग हैं उनकी कार्यालय खुले रहेंगे। सर्विलांस टीमें इंटेंसिवली कार्य करेंगी, इनमें घर घर जाकर के लोगों का सिम्टम और जो लक्षण हैं इनके बारे में पूछताछ करती रहेंगी। इनमें सैनिटाइजेशन का कार्य बृहद स्तर पर इस दौरान चलाया जाएगा और साथ ही जो इन क्षेत्रों में डोर स्टेप डिलीवरी को वरीयता दी गई है कि जो ठेला ठेलिया अन्य किसी माध्यम से जो लोग डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे हैं, जैसे लॉकडाउन के दौरान था उसी तरह यहाँ डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है और सभी जो आवश्यक सेवाएं हैं आवश्यक सेवाएं पूर्ववत चालू रहे। और इलाकों के लोगों की ये चेतावनी, अगर वो अपनी लॉकडाउन या इसको पालन नहीं करेंगे तो वहाँ भी इस तरह से पूर्ण लॉकडाउन। देखिए, यदि केसेस बढ़ते हैं और हम इसका लगातार इस पर नज़र रखेंगे, रिव्यू करेंगे। यदि हमें इस समय सबसे बड़ी चुनौती अपने शहर को कोरोना के संक्रमण से बचाना है, हमें अपने एक्टिव सर्विलांस के माध्यम से और जो शासन ने नई व्यवस्था भी दी है कि अब होम आइसोलेशन की फैसिलिटी भी दी गई, इसके लिए हमें बहुत जागरूक बहुत सतर्क रहते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकना है। इसमें सभी लोग एक टीम की तरह मिलकर ही कार्य कर पाएंगे। इसमें सूचनाओं के संप्रसारण में मीडिया की भूमिका बहुत ही प्रभावी और प्रमुख है। आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बहुत ज़रूरी होने पर, निहायत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। मास्क बिना लगाएं निकलने के लिए कभी न सोचें, सदैव मास्क लगाए रखें और मास्क लगाने पर नाक और मुंह को ढक के रखें, ना कि उसको जो है अपने चिन पर जो है लटका करके रखें। इसका कोई पर्पज नहीं, मास्क दिखाने के लिए नहीं, मास्क संक्रमण से रक्षा के लिए है। सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बाहर से आने पर अपने घरों के भीतर जूते इत्यादि तुरंत वैसे पहन के ना जाएं, उनको हाइपोक्लोराइड के घोल इत्यादि से डिसैनिटाइज कर लें, उनमें रख करके स्पंज पे, और जूते चप्पल बाहर निकाल कर घर में जाएं। अब पर्सनल हाइजीन, हाथ धुलने का बार बार ख्याल रखें, तो और सबसे ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, जो एक सोशल वैक्सीन है। भीड़ में जाने से बचें, भीड़ में लोगों के संपर्क में आने से बचें, अपने को संक्रमण से दूर रखें और यदि कहीं किसी तरह की कोई समस्या आती, कोई आपको लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो इसके लिए आप सीधे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वहां बता सकते हैं, जिससे आपका सैंपल कराया जा सके। उसका नंबर है 1800-180-5159। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1800-180-5159। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी सूचना भी दे सकते हैं। शहर में 12 स्थानों पर जोन वाइज बना करके सैंपल कलेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है, तो इसमें सर्विलांस में जो भी सांस की बीमारी, ILI सारी के मरीज हैं, ऐसे लोग सर्विलांस टीमों के संपर्क में आएँ,
उन्हें अपनी पूरी जानकारी दें, कोई जानकारी न छुपाएं। यह आपको और आपके अपनों को, आपके संपर्क में आने वालों को संक्रमण से बचाने के लिए है। इस समय कोई जानकारी छुपाना निस्संदेह कहीं ना कहीं संक्रमण को बढ़ावा देना है, अपने को खतरे में डालना है। इस खतरे से अपने को बचाना हो तो सही समय पर सही जानकारी सर्विलांस टीमों को तुरंत दें, उनसे जो है पल्स ऑक्सीमीटर इत्यादि के माध्यम से अपनी सांस का जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको चेक कराते रहें, करते रहें और अपना पूरा प्रिकॉशन लें, हर उपाय करते हुए स्वयं को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करें। हम सेफ हैं, यदि कोरोना से सेफ हैं, अपने शहर को, अपने परिवार को हम लोग संकल्प लें, कोरोना से बचाएंगे और स्वस्थ रहेंगे।